हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WHQ साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से आप अपने साइबर सिक्योरिटी के नेक्स्ट इंटरव्यू में खुद को और बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं एंड इंटरव्यू में क्लियर हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू प्रिपरेशन एक ऐसी स्किल है जो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये स्किल भी सीख सकते हैं। तो आज इसी वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करूंगा जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो आज की इस वीडियो में हम थोरली चेक करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तीन टाइप्स के इंटरव्यू क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे जाते हैं, और फिर हम देखेंगे मॉक इंटरव्यूज की इंपॉर्टेंस एंड और साथ ही साथ हम देखेंगे आप अपनी ओवरऑल इंटरव्यू परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब वो तीन टाइप्स के इंटरव्यू क्वेश्चन जिनके लिए आपको प्रिपेयर रहना है वो डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले। तो इन्हीं तीन टाइप्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस में से सबसे पहला आता है बिहेवियरल या फिर टेक्निकल क्वेश्चंस। अब यहाँ पर वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपकी टेक्निकल नॉलेज एंड सिचुएशनल हैंडलिंग को टेस्ट करते हैं। यानी यहाँ देखा जाता है कि आप टेक्निकली कितने स्ट्रांग है, सिचुएशनल क्वेश्चंस या सिचुएशंस को कैसे आप प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों का टेस्ट इन क्वेश्चंस में लिया जाता है। तो यानी यहाँ पर आपको रैंडमली कोई सिचुएशन दे दी जाएगी, पहले कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर आपको यहाँ पर सिचुएशन दे दी जाएगी कि ऐसी सिचुएशन होती है तो आप क्या एक्शन लेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इन तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब कैसे होना है हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये आते हैं क्वेश्चंस पहले टाइप वाले। सेकंड टाइप के आते हैं आपके सिक्योरिटी डिजाइन इंटरव्यू क्वेश्चंस। यानी यहाँ पर आप किस तरीके से चीज़ों को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, कैसे पैचेस इंप्लीमेंट करते हो, या कौन सी टेक्निक आप टेक्निकल नॉलेज से फॉलो करते हो, यानी यहाँ पर ओवरऑल आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इवैल्यूएट करा जाता है। अब ये क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट ये आपको अपने थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को शोकेस करने का बहुत अच्छा मौका देते हैं। तो इन मौकों को आपको गंवाना नहीं है, अच्छे से इन चीज़ों में खुद को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आती है सिक्योरिटी डिजाइन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस। अब ये आजकल एंट्री लेवल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है। यानी पहले ये क्वेश्चंस, इन टाइप के क्वेश्चन एंट्री लेवल्स में नहीं पूछे जाते थे, बट आजकल ये काफ़ी कॉमन हो गया कि एंट्री लेवल पे भी इन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये किस तरह के क्वेश्चंस है, यहाँ पे होता ये है कि आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियोज दे दिए जाते हैं या फिर उसका एक स्टिमुलेशन बना के दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि यहाँ पर वो चीज़ें इंप्लीमेंट करो। यानी आपको प्रॉपर एक सिनेरियो दिया गया है एंड उस पर अपनी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल यानी सॉफ्ट स्किल्स उनको भी आपको यूज करना है ताकि आप उस सिचुएशन को सॉल्व कर सको। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो इन तीनों चीज़ों से आपको फेमिलियर होना है, मेन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अब बारी आती है हमारे मॉक इंटरव्यूज़ की। अब देखिए मॉक इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मॉक इंटरव्यूज़ की इंपॉर्टेंस ऐसी देख लो कि आप कई बार जो मॉक इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं वो आपको प्रॉपर इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार कर देती है एंड साथ ही साथ आप में कॉन्फिडेंस आता है एंड आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। आपको सबसे पहले प्रॉपर फॉर्मेट समझना है इंटरव्यू का। अब मॉक इंटरव्यूज यही करते हैं, आपको फॉर्मेट के साथ कंफर्टेबल होने में और आपकी परफॉर्मेंस पे फीडबैक देते हैं ताकि आप उसके साथ कंफर्टेबल भी हो एंड प्रॉपर फीडबैक के साथ खुद को और इम्प्रूव कर सको। अगर देखा जाए तो करंट मार्केट की वैल्यू हम देखें या करंट मार्केट प्रैक्टिसेस की बात अगर हम करें तो अक्सर ये इंटरव्यूज ऑनलाइन या वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा होते हैं। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए कैमरा फेसिंग की, यानी वेबकैम अगर है या फोन में भी अगर आप वीडियो ऑन करते हैं, जैसे भी आप इंटरव्यू देते हैं आपको कैमरा फेसिंग की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए एंड आप कॉन्फिडेंस होने चाहिए। ये नहीं हो कि आप कैमरा देख के घबराते हो, घबरा रहे हैं तो उस पर प्रैक्टिस करो, खुद को रिकॉर्ड करो इंटरव्यू देते हुए, समझो कि सामने इंटरव्यूअर है एंड खुद आंसर्स दो, खुद ही क्वेश्चन पूछ सकते हो, खुद भी आंसर दे सकते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यूज परफॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पर बेस्ट आइडिया रहेगा आप ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हो, उसको बोलो कि एक्ट एज अ इंटरव्यूअर एंड आस्क मी क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन टेक्स्ट में देगा, आपको जवाब कैमरा में वर्बली देने ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सको, राइट। एंड फिर उसके बाद आपको वही चीज़ें फिर ChatGPT को बतानी है, जो आपने आंसर्स बोले उनको टाइप करिए एंड आप वहीं से चीज़ों को और अच्छा बेटर कर सकते हैं। हाँ, आप चाहें तो वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके भी इसको वीडियो अपलोड करके बोल सकते हैं कि इवैल्यूएट करो एंड मेरी परफॉर्मेंस को स्कोर करो, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मॉक इंटरव्यूज प्रोवाइड करते हैं, आप सिंपली सर्च कर लीजिए साइबर सिक्योरिटी मॉक इंटरव्यू, आपको कई सारी रिसोर्सेज मिलेगी जो आपको इन कामों में हेल्प करेगी। आपका काम क्या है, मॉक इंटरव्यूज को देना ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, उसे फेमिलियर हो एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अब बारी आती है साइबर सिक्योरिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की। अब आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल भी पूछे जाते हैं। अब इन केसेस में ये बहुत क्रूशल पॉइंटर्स है क्योंकि आपको इनकी अच्छी खासी नॉलेज होनी ज़रूरी है, तभी जाके आप इनमें स्टैंड आउट कर पाएंगे।
आपको अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे से पॉलिश करना है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन जाना है, साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू क्वेश्चंस को देखना है एंड उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। दिन के आप 50 से 100 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करो ही करो अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए यहाँ पर। अब दिन के 50-100 ज़्यादा लग रहे होंगे, बट अगर आप सॉल्व करने जाएंगे या देखेंगे उन्हें तो इतने ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो इनका आपको ध्यान देना है। अब अगर आपको मैं बोलूँ तो नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड एंड डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव, ये चार टॉपिक्स के क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, इन पर ज़्यादा अच्छे से फोकस करना, क्योंकि ये ज़्यादातर जगहों पे पूछे जाते हैं। एंड साथ ही साथ इन मॉक इंटरव्यूज़ में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, वोकैबुलरी, इनको भी प्रैक्टिस करना ताकि आप अच्छे से खुद को और अच्छा प्रेजेंट कर पाओ। तो यहाँ पर आपको अच्छे से इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस आउट करना है। अब बात आती है साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू टिप्स के बारे में। देखिए, अब मान लेते हैं ये सारे टॉपिक्स आपने अच्छे से कवर अप कर लिए, अब क्या चीज़ है जो आपको और हेल्प करेगी इनमें। सबसे पहली टिप मैं बता देता हूँ, आपका जो जॉब रोल है उसकी इंपॉर्टेंस समझना एंड उसकी सीनियरिटी समझना, यानी सीनियरिटी में किस लेवल का रोल है, सीनियर मिड है, सीनियर लो है, हाई है या इंटरमीडिएट है, और जॉब रोल की सीनियरिटी को समझना एंड जॉब रोल की इंपॉर्टेंस को समझना कि क्या जॉब रोल किस काम आ रहा है, क्यों ज़रूरी है, आप क्या काम करने वाले हैं, वो आपको यहाँ पर एक बार प्रॉपर इवेल्युएट करके जाना है। यानी जॉब रोल पे जाने से पहले आपको जॉब रोल को प्रॉपर थरली पढ़ना है, रिसर्च करना है और समझना है कि आप वहाँ क्या करेंगे, क्योंकि जब आप इंटरव्यूज में जाएंगे आप खुद को प्रॉपर बता सकें कि इस जॉब रोल के लिए आप प्रॉपर फिट इन हो सकते हैं। इन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये याद रखना, बिहेवियरल एंड सिचुएशनल क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कई सारे इंटरव्यूज में वीपी भी हो सकते हैं, डायरेक्टर भी हो सकते हैं, कई बार फाउंडर्स भी हो सकते हैं एंड सीनियर लेवल के मैनेजर्स भी होंगे। तो अगर ऐसे केस सिनेरियोस आता है तो वो आपके टेक्निकल स्किल्स से ज़्यादा आपके सॉफ्ट स्किल्स पर फोकस करते हैं कि कैसे आप सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करते हैं, कैसे सिनेरियो को संभालते हैं, कैसे पैचेस अप्लाई करते हैं, किन साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस से आप गुजरते हैं, यानी स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करते हैं, टीम वर्क कैसे रखते हैं, इन चीज़ों को भी इवेल्युएट वो लोग बहुत ज़्यादा बारीकी से करते हैं। तो आपको वो ध्यान रखना है कि ये स्किल्स को भी आप अच्छे से शोकेस करें। अब बात करते हैं हमारे एंड नोट पे। अब देखिए, देखा जाए तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना बहुत क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट है, बट आप हर इंटरव्यू के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर नहीं रह सकते, यानी हर इंटरव्यू के लिए कम्प्लीट प्रिपरेशन रख पाना कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें नहीं पता सामने से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सामने हमारे पर्सन कैसा है, उसका माइंडसेट क्या है, हमें आइडिया नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि हम तैयारी ही ना करके जाएं, क्योंकि हमें खुद पे भी ध्यान रखना है एंड खुद को जितना हो सके यहाँ पर प्रैक्टिस आउट करना है इंटरव्यू के लिए, ताकि आप इंटरव्यू को क्लियर कर सकें, क्योंकि कंटिन्यूस लर्निंग एंड प्रैक्टिस से ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी फेमिलियर होने लग जाएगी एंड आप इससे थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होने लगेंगे पहले से कई ज़्यादा, और इससे फ़ायदा ये है कि आप ओवरऑल इम्प्रूव होंगे एंड आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगी एंड आप अपनी इंटरव्यू परफॉर्मेंस को इससे और अच्छा इम्प्रूव कर पाएंगे, और इसी स्किल से आपके करियर में बहुत अच्छी वैल्यू ऐड होने वाली है, क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन करना या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहना भी एक स्किल है और आपको आनी चाहिए। तो ये चीज़ सीखे, इन पॉइंट्स को फॉलो करिए एंड अपने साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू में स्टैंड आउट कीजिए। सो होप आपको ये सारी टिप्स क्लियर हो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और आपके जो दोस्त हैं जो साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपकी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स में कई सारी वैल्यूज ऐड हुई होगी, और अगर आप और भी प्रोफेशनल वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं WS Cube Tech के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में, जहां पर आप लाइव ट्रेनर के साथ जूम पे इंटरैक्ट करेंगे, वहां पर चीजें सीखेंगे एंड अपने डाउट्स भी रिजॉल्व करेंगे, और इसी 2 months के कोर्स ड्यूरेशन में आपको मिलने वाले हैं 19 टेस्ट, 12 असाइनमेंट, 3 प्रोजेक्ट, 1 केस स्टडी, कई सारे हैकिंग के टूल्स, कोर्स सर्टिफिकेशन नोट्स एंड अपने टास्क की चीट शीट्स भी, वो भी एक प्रीमियम डिस्काउंट पे। जी हाँ, WS Cube Tech CEH मेंटरशिप प्रोग्राम। तो इस WS Cube Tech इंडिपेंडेंस डे सेल में यही प्रीमियम चीजें आपको मिलने वाली है सिर्फ 13,999 में। तो देर किस बात की, अभी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि इस प्रीमियम ऑफर के साथ साथ आपके पास सीट्स भी लिमिटेड है। तो ऑफर को अवेल करें ताकि आप अपनी सीट कंफर्म कर सकें।